बच्चों, हमने अध्याय 6 देखा, जिसमें विनिर्माण उद्योग के बारे में हमने पढ़ा, सारे उद्योगों के बारे में आपको बताया। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आप लोगों को ये जो दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ कॉपी में आपको नोट करते जाना है। सबसे पहले क्या है, विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है जो आपको हमने अभी बताया? विनिर्माण क्या है? जो कच्चे पदार्थ हम जो हमें मिलता है, जो मूल्यवान उत्पादन है, उसको हम उत्पादित करके परिवर्तित करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या वस्तु का निर्माण करते हैं, वह विनिर्माण कहलाता है। जैसे कि लकड़ी से कागज बनाना, मतलब बांस से भी कागज बनता है, फिर गन्ने से चीनी बनाना। फिर देखेंगे उद्योगों की अब स्थिति में प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कच्चे माल की उपलब्धता है यहाँ पर, फिर शक्ति के विभिन्न साधन हैं, जैसे उद्योग को बढ़ाने के लिए उसको चट्टाने जो होती हैं, सारी चीज़ें जो हैं उसको हम करते हैं। जैसे कि फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उद्योगों की अब स्थिति जो है उसको प्रभावित करने वाले ये 3 भौतिक कारण हैं। फिर देखेंगे औद्योगिक अब स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक कौन कौन से हैं। तो 3 मानवीय कारक कौन कौन से हैं, जो सस्ते श्रमिक का उपलब्धता, फिर है संचार और परिवहन और पूंजी व बैंक। ये क्या है, हमारे 3 मानवीय कारक हैं। ये सारी चीज़ें जब उपलब्ध होंगी तभी हम उद्योग को आसानी से बढ़ा सकते हैं। फिर आधारभूत उद्योग क्या है, यहाँ पर ये आधारभूत उद्योग क्या है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आधारभूत उद्योग किसको कहा गया है, लोहा इस्पात उद्योग को कहा गया है। वह इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वस्तु से क्या है, छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं उससे निर्मित की जाती हैं, इसीलिए उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर देखेंगे संकलित संसाधन, जो ये इस्पात है उससे उद्योग मिनी इस्पात उद्योग में कैसे भिन्न है और इसमें उद्योग में क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है और साथ ही साथ इसमें क्या है, संकलित उद्योग भी है, मिनी इस्पात उद्योग भी है। उसी तरह से यहाँ पर इस्पात उद्योग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे उच्च लागत है, कम श्रमिक उपलब्धता है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है, अतिरिक्त असंरचना है, मतलब इस तरह से ये परेशानियाँ भी आती हैं। मतलब ये जब हम इस्पात उद्योग को जब लगाते हैं तो ये बहुत सी समस्याएं जो हैं हमें आती हैं। ये जो है, ये प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग को कॉपी में नोट करते जाना है। फिर देखेंगे उद्योग जो है पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित करता है। जिस तरह से हमने अभी पाठ पढ़ाते समय आपको बताया कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वायु है, जल है, भूमि है, ध्वनि। वायु प्रदूषण उद्योगों से निकले हुए धुएं के कारण होता है, मोटरसाइकिल से निकले हुए कारण, हीट के भट्टे से निकले हुए धुएं से, इस तरह से अन्य कारणों से वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण भी उद्योगों से निकले हुए गंदा पानी है, अपशिष्ट पदार्थ है, इससे जल प्रदूषण होता है। और भूमि का क्षरण, इससे भूमि का क्षरण भी होता है। फिर ध्वनि प्रदूषण भी होता है, उद्योगों में जो बड़े बड़े मशीनें लगे रहते हैं इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर है औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव, वहाँ पर जो औद्योगिक बस्तियाँ होती हैं उनके से भी निकला हुआ पानी, निकला हुआ धुआं, प्रदूषित गैस, इससे भी वहाँ का पर्यावरण जो है वह प्रभावित होता है। फिर उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण के लिए उठाए गए विभिन्न जो उपाय हैं वह क्या है, हम किस तरह से उद्योग द्वारा पर्यावरण के निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। तो नदियों में तालाबों गर्म पानी को मत छोड़ना, अपशिष्ट पदार्थों को साफ करके पानी को छोड़ना, फिर कोयले व लकड़ी खनिज तेल से पैदा हुई जो बिजली है उसको, मतलब हम पुनर्चक्रण करके वहाँ ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। फिर फैक्ट्रियों के प्रदूषण जो निकले हुए प्रदूषित जल को भी हम पुनर्चक्रीकरण करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम उद्योगों द्वारा हो रहे पर्यावरण को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप लोग को कॉपी में नोट करना है।